नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ प्लांट को तो ग्रीन नेट के नीचे रखना है, लेकिन आज मैं ऐसे प्लांट के बारे में बात करूँगी कि उन प्लांट को प्रॉपर धूप चाहिए। अगर उनको धूप नहीं मिलेगी तो वो प्लांट आपके खराब हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, और जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उन पर फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहला प्लांट है ये टिकोमा का, ये टिकोमा बेल है और बहुत प्यारे प्यारे इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए ये येलो कलर का है और इस पर इतने ज़्यादा फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स कि मैं इन फ्लावर को तोड़ भी नहीं पाती हूँ और सूख के नीचे गिर जाते हैं। तो सबसे पहला ये प्लांट है टिकोमा का, इसको फ्रेंड्स प्रॉपर पूरी धूप चाहिए सुबह से लेके शाम तक। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट की जो पत्तियाँ हैं उनका कलर भी चेंज हो जाएगा और पीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इस तरह से निखर के नहीं आएगा। और इनको दोनों टाइम पानी भी चाहिए, जिससे इनकी मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो इसकी पत्तियां सूख के नीचे भी गिर जाएंगी और इन पर फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी, इस तरह से न्यू न्यू वर्ड नहीं बनेंगे। तो ये प्लांट को पूरी धूप चाहिए, पूरे दिन की इनको धूप चाहिए। और दूसरा प्लांट है ये देखिए लालसा का। लालसा प्लांट है, ऐसा प्लांट है, इसको पूरे दिन का धूप चाहिए। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो इसकी भी पत्तियां मुड़ी मुड़ी हो जाती हैं और दोनों टाइम इसको भी पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। और अगर इसको आप ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे तो ये प्लांट है तो इसकी पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएंगी वो और मुड़ी मुड़ी सी हो जाएंगी। तो इसलिए इनको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और इनको कोई भी बहुत ही इजली ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। इनकी आप छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं और ढेर सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये है लालसा प्लांट। अगला प्लांट ये देखिए पर्पल हार्ट है, इसको भी आप पूरे दिन की सनलाइट चाहिए तभी ये प्लांट अच्छे से चलता है, नहीं तो इसके भी कलर चेंज हो जाते हैं और इनको पूरे दिन की सनलाइट में रखना पड़ता है। अगला प्लांट है ये चमेली का। देखिए फ्रेंड्स, इस पर इतने प्यारे प्यारे से फ्लावरिंग हो रही थी, वाइट कलर के इसके फ्लावर आते हैं और इसके जो फ्लावर होते हैं वो आपके पूरे घर में महकते रहेंगे, बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू होती है इनके फ्लावर में। लेकिन क्या हुआ, मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दिया है, तब से इस पर एक भी कोई बर्ड नहीं बनी हुई है और ना ही कोई कलियां आई हुई हैं, न्यू ब्रांच भी नहीं निकल रही हैं। तो इस प्लांट को प्रॉपर छाया नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इसको प्रॉपर धूप चाहिए। ये पूरा धूप का प्लांट है, सुबह से लेके शाम तक इसको धूप चाहिए तभी इस पर अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो इसको दो दिन से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर रख दिया है धूप में और देखिए यहाँ पर न्यू इसकी ये ब्रांचेस निकलने लगी हैं। तो ये चमेली का प्लांट है, इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। इसी तरह से ये है गुलाब का। गुलाब के प्लांट को भी फ्रेंड्स पूरे दिन की धूप चाहिए और तभी इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और न्यू इसकी ब्रांच निकलती हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और इसके कलर भी बहुत प्यारे से आते हैं, नहीं तो ये प्लांट पीला हो जाता है। और इसको भी पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और इसकी मिट्टी में नमी बना के रखनी है, नहीं तो गर्मी में ये प्लांट खराब हो जाता है। और इस पे स्प्रे भी करनी चाहिए, स्प्रे से इसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं और अपने कलर भी लाती हैं। तो इस तरह से ये चमेली का प्लांट और गुलाब के दोनों प्लांट में दोनों टाइम अब आपको गर्मियों में पानी देना पड़ेगा। अगला प्लांट है ये मोगरा का। फ्रेंड्स, मोगरा के प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए तभी इस पर अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। अगर आप पूरे दिन की धूप नहीं देंगे तो इस पर फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे इस पर फ्लावरिंग होती रहती है और इसके फ्लावर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि ये बालकनी में लगा हुआ है और आप इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं, इसके कलर भी देख सकते हैं। तो इसलिए इसको पूरे दिन की धूप में रखना होगा तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और पत्तियों का कलर भी आता है और इसको भी फ्रेंड्स
पूरे मतलब दोनों टाइम इसको पानी देना होगा। इसी तरह से देखिए ये है फाइकस का प्लांट, ये भी बालकनी में मैंने लगाया हुआ है और फाइकस के प्लांट की मैंने कर दी है कटिंग, जिससे इस पर न्यू न्यू ब्रांच निकलेंगी और प्लांट घना भी हो जाएगा। तो इसको भी फ्रेंड्स पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, तभी ये प्लांट चल पाता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी, ये प्लांट बहुत पुराना है, जब मैंने ये घर खरीदा था तभी मैंने इस प्लांट को लगाया था। अभी आप इसकी जड़ देख सकते हैं, पूरा ये बोंजाई बन चुका है और बहुत ही प्यारा ये लगता है। और आप इसकी स्टेम देखिए कितनी मोटी हो चुकी है, बहुत मोटा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसकी जो जड़ है मैं निकाल नहीं सकती हूँ, मिट्टी के गमले में लगा हुआ है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और मैं निकालने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। तो ये है मेरा फाइकस का प्लांट, इससे मैंने कटिंग लगाई हुई है, जब कटिंग ग्रो हो जाएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स ये यहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ गुलाब, और इस पर आते हैं रेड कलर के फ्लावर, और देखिए अभी फ्लावर भी आने वाले हैं और इसकी मैंने कर दी है कटिंग। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी न्यू न्यू ब्रांच निकल रही हैं, ये देखिए इसकी पूरी कटिंग मैंने की हुई है अच्छी तरीके से। मैं पूरा इसको काट देती हूँ और फिर इसके ऊपर आते हैं ढेर सारी ब्रांचेस, फिर इस पर खिलते रहते हैं फ्लावर। तो इसी तरह से आप जब भी प्लांट को कट करेंगे तभी आपको फ्लावरिंग मिलेगी और इसकी न्यू न्यू ब्रांच निकलेंगे और आपका पौधा घना भी हो जाएगा। और इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए मैंने डाली हुई चाय की पत्ती, पूरे प्लांट को मैंने चाय की पत्ती से ही भरा हुआ है। चाय की पत्ती की खाद बहुत अच्छी होती है गुलाब के प्लांट के लिए। इस प्लांट के अंदर फ्रेंड्स बहुत कम मिट्टी है और पूरी इसकी चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती जो हम यूज़ करते हैं उसको धोके में इसी के अंदर भरती रहती हूँ, इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, और इसको दोनों टाइम पानी की ज़रूरत है और पूरे दिन की सनलाइट। ये बालकनी में फ्रेंड्स हमेशा ये धूप बनी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए मैंने इस प्लांट को यहाँ पर लगाया है। काफ़ी पुराना मेरा ये गुलाब का प्लांट है। अगला प्लांट आता है ये सदाबहार का, इसको भी पूरे दिन की सनलाइट चाहिए तभी इस पर फ्लावरिंग होगी। देखिए मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी है और इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और इसके आप कलर भी अच्छे से हो रहे हैं। इनको भी पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए, तो इनको भरपूर मात्रा में पानी होगा, भरपूर मात्रा में धूप में रखना होगा। इसी तरह से ये है फोर्चला का, इसको भी पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इनको अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो इनके आपको कलर भी नहीं मिलेंगे, फ्लावर भी नहीं मिलेंगे, और देखिए शाम के टाइम ये फ्लावर हो जाते हैं बंद। तो इनको आप इस तरह से कट कर देना है, अगर आप कट नहीं करेंगे तो इनके बीज बन जाते हैं, तो आप इनके बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जितने भी मेरे बिंका प्लांट हैं उनको मैं फ्रेंड्स धूप में रखती हूँ। यहाँ पर रखा हुआ है एक बिंका प्लांट, देखिए बिंका हो, सदाबहार हो, फोर्चला का हो, पर्सलैन हो, सारे प्लांटों को मैं यहाँ रखती हूँ, तभी आप इनके कलर देख सकते हैं कितने सुंदर, बिल्कुल ग्रीन कलर हैं फ्रेंड्स। तो ये थे धूप वाले पौधे, इनको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, पूरे दिन की धूप चाहिए। तो इनको अगर आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे तभी अच्छे से इन पर फ्लावर आएंगे और अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।